थे यहाँ पर जिनकी हत्या हुई थी, उनको यहाँ पे पैर कुल्हाड़ी से काटा। ये है विकास दुबे की कोठी से चली हुई गोली का निशान। 40 से 45 मिनट तक लगातार गोलीबारी चल रही थी, कंटिन्यू फायर किए जा रहे थे। नमस्कार, आपसे गुजारिश है, यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। बटन दबा दिया, अब वहाँ एक घंटी दिख रही होगी, घंटी पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम को और भी ज़्यादा विस्तारित करेंगे। इसके साथ ही जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाएगा। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज लोकहित इंडिया को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं कानपुर के बिकरू गांव में। ये वही बिकरू गांव है जहां पर विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को, एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की निशंस हत्या कर दी थी। आइए हम आपको दिखाते हैं, कुछ गोलियों के निशान अभी भी हैं, दरवाज़ों को छेदने वाली गोलियाँ, दीवारों को छेदने वाली गोलियाँ, दिखाते हैं किस तरह से, और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरह की स्थिति उस समय रही होगी। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये उस वक्त की गोली का निशान है। ये आप अगर देख पाएँ तो ये है विकास दुबे की कोठी से चली हुई गोली का निशान, एक ये है और इधर और भी है। आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए इस दरवाजे को, ये लोहे की इतनी मोटी चद्दर का जो दरवाज़ा है, ये आप देखिए इसको भी छेद करके गोलियाँ आर पार हो गई हैं। और भी दीवारों पर लोगों ने बताया कि कई स्पॉट अभी बचे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से उस रात गांव में क्या माहौल रहा होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। और भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ भी कोई स्पॉट है क्या इधर? जी, ये देखिए ऊपर सब गोलियों के स्पॉट्स। अच्छा, ये अभी भी आप देखिए ऊपर दीवार पे जो काला काला दिख रहा है, सब गोलियों के स्पॉट। अच्छा, ये सारे गोलियों के हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये जो दिख रहा है ये सब कुछ गोलियों द्वारा बनाया गया निशान है। ऊपर भी आप देखेंगे दीवार पे तो 7-8 की संख्या में गोलियों के स्पॉट अभी भी बने हुए हैं। और यहाँ पे और कौन से कहाँ बम वगैरह कहाँ मिला था? बम देखिए सामने वाले मकान पे बम जो यहाँ पर मिला था, और जब पुलिसकर्मी जब यहाँ पर विकास के गुर्गों के साथ में लगातार जो बचाई जा रही थी, ठीक है, गोलीबारी जब की जा रही थी, जो पुलिसकर्मी थे लगातार जब बचने का प्रयास कर रहे थे, तो ये सामने एक छोटा शौचालय टाइप का बना हुआ था। जब यहाँ पर वो अपना बचने के लिए जब छुपे हुए थे तो लगातार जो है सेफ्टी के लिए अपने फायरिंग भी कर रहे थे लगातार, मतलब कि मुठभेड़ दिखा रहे थे पुलिस के लोग अपने आप को। हाँ, पुलिस वाले जब बचाने प्रयास कर रहे थे तो वहीं पर जो पुलिस विकास के जो गुर्गे थे उन्होंने प्रयास किया था कि डीजल उसके घर पर जो गाड़ियाँ रहती थी, डीजल वगैरह सब कुछ इकट्ठा रहता था, पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जलाने का जो है जलाने का प्रयास किया था। हम आपको दिखवाते हैं, पुलिसकर्मियों को यहाँ जिंदा जलाने की कोशिश जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। अब ये साफ तौर पर देखेंगे अभी भी शायद कुछ अगर ब्लड्स के निशान वगैरह कुछ हो। आप ये देखिए सामने जो तस्वीर जो है, आप सामने गोली देख रहे हैं तो गोली का स्पॉट यहाँ भी है। देखिए ईंट सामने आप देखेंगे, अगर जो ईंट पर ये गोली बारी जब लगातार हुई थी, ऊपर से जो छतों से लगातार फायर हो रहे थे, लगभग जब छतों से ये हो रहा था। हाँ, लगभग जो समय का जो समय था, यहाँ स्थानीय लोगों ने जब उस वक्त बताया था कि लगभग यहाँ पर लगातार 40 से 45 मिनट तक लगातार गोलीबारी चल रही थी, कंटिन्यू फायर किए जा रहे थे, जिसमें लगातार जब पुलिस का फोर्स आया था तब विकास जो है उसके गुर्गे यहाँ से फरार हुए थे। यहाँ पे जब कुछ लोगों ने उनको जो है विकास को जो है बचाने के लिए, मतलब कि सेफ्टी भी दी हुई थी आसपास के गांव के जब लोग थे, वहीं जब दूसरे दिन बात की जाए तब दूसरे दिन भी जो लोग हैं उसके जो गुर्गे थे उसको भी ढेर किया था पुलिस ने। वहीं एक हफ्ते की बात की अगर आपको बता रहे हैं, लगभग एक सप्ताह का समय हुआ होगा, और जब विकास को उस मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था और उसको कानपुर लाते समय पुलिस की जो है घटना हुई, पुलिस की जब गाड़ी पलटती है और वो बताते हैं पुलिसकर्मी जो बयान दिया था उन्होंने कि वो रिवॉल्वर लेकर के फरार होता था, उसे आत्मसमर्पण करने के लिए लेकिन बोला गया था, जब उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तब उसके बाद जो है आत्मसमर्पण जब नहीं किया था तब उसके जो है पुलिस ने उसकी मुठभेड़ हुई और पुलिस मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया था। वहीं लगभग कहानी को लेकर भी बड़ा संदेह जताया गया कि इस तरह से कैसे हो गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि बड़े बड़े नाम खुल सकते थे इसलिए जो है ऐसा किया गया। देखिए इससे कुछ राज भी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो छुपे हुए थे वो दफन करने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया गया है। वहीं जिस तरीके से उसके ऊपर लगभग 62 मुकदमे जो थे वो बने हुए थे, जो उसकी HS हिस्ट्री उस समय की तत्काल प्रभाव की निकली, तो इस पर 62 मुकदमे उसके ऊपर निकल कर सामने। सोचने वाली बात है कि इतने सारे मुकदमे हैं और फिर भी आदमी इस तरह से खुलेआम घूम रहा था तो कितनी पावर रही होगी उस वक्त में। बिल्कुल, और बिना सरकारी लोगों के साठ गांठ के ऐसा संभव नहीं है।
बिना नेताओं के साथ हो सकता है, इसीलिए शायद उसका एनकाउंटर किया गया होगा कि शायद जो अन्य जो राजनीतिक दल के उनके भी जो हैं वो राज जो छुपे हुए थे वो दफन करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ आपको ये बताएं कि ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं इसी पर जो है अमर ने जो अमर दुबे था विकास का खास गुर्गा जो दाहिना हाथ बोला जाता था उसने जो है सीओ जो साहब थे यहाँ पर जिनकी हत्या हुई थी उनको यहाँ पे पैर कुल्हाड़ी से काट किया था, काट दिया गया, काट दिया था पैर उसकी बॉडी जब यहाँ दी उनके सीओ थे देवेंद्र मिश्रा जी उनकी जब बॉडी लगी थी यहाँ पर काफी ब्लड वगैरह तो ये उन्होंने बचने का प्रयास किया, बाउंड्री के भीतर इनका कहना भीख भी मांगी थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन अमर हत्यारे अमर ने उनको नहीं छोड़ा था। डीएसपी जो थे देवेंद्र मिश्रा इनका कहना है कि इसी बाउंड्री के भीतर अमर दुबे ने उनका पैर काट दिया था और उस दौरान डीएसपी ने उनसे जान बख्शने की भीख तक मांगी लेकिन सुनवाई नहीं हुई और यहाँ चारों तरफ से गोलियां चल रही थी ना। जी बिल्कुल चारों तरफ से, मतलब कि छतों पर जो थे लोग जो उसके गुर्गे थे वो सवार थे, मतलब कि लोग बता रहे थे कि शार्प शूटर जो है बाहर से भी आए हुए थे। अच्छा, इस कांड को लेकर के मतलब कि पुलिस की तरफ से उसको जानकारी मिल गई थी कि उसको गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया है और ये टीम आ रही है और उसने इसी प्लान के तहत जेसीबी भी रास्ते में लगा करके रोकी। अच्छा। और इतना बड़ा कांड किया था, मतलब कि तो बड़ा ही कांड है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी और लगभग 5 से 7 जो पुलिसकर्मियों घायल हुए थे, ये बड़ी घटना थी। इसके बाद जो है विकास दुबे के साथ साथ 6 अन्य लोगों को भी घायल हुए थे, नहीं एनकाउंटर में बाद में मार दिया, हाँ पुलिस ने मार दिया गुर्गों को, विकास के गुर्गों को पुलिस ने मार दिया था। अच्छा एक बात, जैसे लोगों ने कहा कि इतनी संपत्ति को बर्बाद करने से बेहतर होता कि इसको नीलाम कर दिया जाता या फिर जरूरतमंद को दे दिया जाता, तो कहीं बेहतर होता? देखिए ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, अगर गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। लोग यही चाहते हैं, लोग चाह रहे थे कि इसको कुछ करके यहाँ पे हॉस्पिटल डाल दिया जाए या स्कूल बना दिया जाए, कुछ जनता की सेवा के लिए कुछ, लेकिन लोग बहुत ये भी कह रहे थे कि बाबा जी का बुलडोजर हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, तो उन्होंने अपना बुलडोजर चला करके उसको मकान को नष्ट नबूद कर दिया। तो ये विकास दुबे के गांव में आप उस अंदाजा लगाइए कि उस रात में किस तरह की स्थिति रही होगी जब पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार करने आए। और 3 जुलाई की वो रात थी, ऐसी रात की मतलब कि जो यहाँ पे गोलीबारी का मतलब कि खून की होली खेली जा रही थी, आप ये समझिए रात का लगभग वही 12 से 1 बजे का लगभग वो समय रहा होगा जब यहाँ पर 8 पुलिसकर्मी आए थे उसको गिरफ्तार करने। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम यहाँ से वापस जा पाएंगे। 8 ही लोग आए थे और 8 नहीं आए, काफ़ी लोग थे लेकिन 8 जो थे पुलिसकर्मी, मतलब 3 थानों का फोर्स आया था एक सर्किल क्षेत्र का, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की जो है मौके पर ही मौत हो गई थी गोलीबारी में। उन्होंने बचने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए थे लेकिन पुलिस विभाग को इतनी संदेह नहीं था कि मतलब कि उन्होंने अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और चारों ये घर जो है गांव में बीचों बीच है, किनारे पे होता तो शायद पुलिस कर्मी बच जाते लेकिन बीचों बीच यहाँ पर लोग ये भी बता रहे कि देखिए अब इस समय चुनाव का सीजन है और 3 दशक तक यहाँ पर विकास का लगातार आतंक है और इसके यहाँ पे तूती बोलती थी, वो अपनी कोठी और गाड़ी में जिस भी राजनीतिक दल का झंडा लगा देता था पूरा बिकरू समेत आसपास के दर्जन भर गाँव से जो अधिक के लोग हैं वो लगातार उसी राजनीतिक पार्टी के जो उम्मीदवार को यहाँ से जिताते थे और वही यहाँ से विधायक बनकर जाता था, चाहे जिला पंचायती चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो ये किंग मेकर की तरह काम करता है। बिल्कुल, मतलब कि जब चुनाव आ जाता था तो यहाँ पर राजनीतिक उम्मीदवार जो लगातार थे वो मतलब कि कोठी के यानी कि हवेली के लगातार वो चक्कर लगाते थे विकास की कि जिस पार्टी का अगर झंडा लग जाए उसी को यहाँ पर उम्मीदवार वही प्रत्याशी बनाया जाता। कभी अब लोकतंत्र के यहाँ की जो जनता है जिस विकास को जब विकास जिनसे कहते थे कि इसको वोट डालना तो उसी को वोट पड़ता था। तो ये थी विकास दुबे की पावर, आप अंदाजा लगाइए कि जिस पार्टी का झंडा लग जाए गाड़ी पे वो जीत जाता था और लोग चाहते थे कि हमारा झंडा इनकी गाड़ी पे लग जाए और ये हमारा समर्थन कर दें। देखा आपने किस तरह से, यही वो बाथरूम है, देखिए बाथरूम जो जिसमें पुलिसकर्मी छुपे हुए थे और उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी उस वक्त रात में। यहाँ बगल में इन्होंने बताया कि डीएसपी का पैर काटा गया था बाउंड्री के पीछे, अभी वो मकान बन चुका है और जाने की अनुमति नहीं है, कुछ लोग रहते भी होंगे तो। और यहाँ पर विकास दुबे के घर हम लोग आए थे जिस घर को अब नष्ट नबूद कर दिया गया है, पुलिसिया कार्रवाई में सब कुछ समाप्त हो गया है। उस रात जिसने विकास दुबे की सबसे ज़्यादा मदद की थी और जो उनका दाहिना हाथ माना जाता था विकास दुबे का, उसका नाम था अमर दुबे। अमर दुबे का ये घर है, अब इस घर में कोई रहता नहीं है, उनकी दादी शायद रहती हैं इस घर में। अमर दुबे वो शख्स है जो विकास दुबे के घर के सामने वाले घर से छत से लगातार गोलियां चला रहा था और घटना को अंजाम दे रहा था। ऐसा बताया जाता है कि उस रात 45 मिनट तक लगातार गोलीबारी हुई थी और तमाम छतों से, आसपास के जो भी घर हैं तमाम छतों से गोलीबारी कंटिन्यू रही। 8 पुलिसकर्मियों को मार गिराया गया
और बगल में उधर आप देखेंगे तो यहाँ से दाहिने साइड में विकास दुबे का घर है, और ये अमर दुबे जो कि विकास दुबे का दाहिना हाथ माना जाता था उसका घर है। अब घर में कोई नहीं रहता है। ये था विकास दुबे का गांव, और गांव में किस तरह से कांड हुआ होगा आप अंदाजा लगाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आपसे गुजारिश है यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। बटन दबा दिया, अब वहाँ एक घंटी दिख रही होगी, घंटी पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम को और भी ज़्यादा विस्तारित करेंगे। इसके साथ ही जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाएगा। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज लोकहित इंडिया को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।